इसके लिए सबसे पहले आधा टीस्पून जीरा, एक चौथाई टीस्पून से भी कम अजवाइन और आधा टीस्पून सौंफ को मिक्सी में दरदरा पीस के अलग साइड में रख लें। अब परात में एक कटोरी बेसन, आधा टीस्पून नमक, एक चौथाई टीस्पून से भी कम एक चौथाई टीस्पून लाल मिर्च और जो हमने दरदरा कुटा मसाला है वो, साथ में ही एक टीस्पून रिफाइंड ऑयल और एक टीस्पून भर के देसी घी डाल के सारे मिक्सचर को अच्छे से गूंद लें और इसमें आपके लग जाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट। इतना गूंदना है इसको मसल मसल कर कि आपके हाथ से सारा का सारा बेसन इकट्ठा हो जाए और ऊपर से शाइन करने लग जाए, पूरा घी दिखने लग जाए, देखिए इस तरीके से। अब मैंने पतीले में 1.5 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया, साथ ही बेसन के डो के रोल्स बना लिए हैं और कुछ इस साइज़ में काट दिए ताकि पतीले में फोल्ड ना हो और सारे रोल्स आ जाएं। ये बॉईल होंगे और तैर के बिल्कुल अपने आप ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे और मैं भी आपको दिखाऊंगी लगभग 10 मिनट के बाद इसके ऊपर जब ब्लिसर्स बनने लग जाते हैं, तो यानी कि ये देखिए, अब ये देखिए है ना, जैसे छाले छाले से पड़ जाते ना वैसे। तो ये रेडी हो चुके हैं, पानी आपने फेंकना नहीं, सिर्फ गट्टे निकाल के रखने हैं। और अब मैं फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून सरसों के तेल में 1 बारीक कटा प्याज भून रही हूँ, साथ ही मैंने ये गट्टे ठंडे होने से पहले ही इनको अपने हिसाब से आधा आधा इंच के टुकड़ों में काटा है। आपकी श्रद्धा है, आप थोड़े बड़े भी काट सकते हैं। मेरा प्याज भी भून चुका है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन अच्छा बढ़िया हो गया है। तो मैंने इसमें 3 टमाटरों की प्यूरी, 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल के बढ़िया से भून लिया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक डाल के और 2 से 3 मिनट तक भून रही हूँ। और दूसरी तरफ साथ के साथ मैं 1 कटोरी दही में 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने बढ़िया से घोल लिया है। अब ये देखिए मेरा टमाटर का मिश्रण बहुत बढ़िया भुन गया, तो मैंने इसमें दही वाला मिक्सचर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे भी अगर आपको नमक कम लग रहा हो, टेस्ट करके देख लीजिए, आप डाल सकती हैं। और इसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मुझे कम लगा। अब ये जो पानी में हमने गट्टे उबाले थे ना वो डाल दिया है, साथ ही मैंने कटे हुए गट्टे के पीसेस भी डाल दिए हैं। अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा बस क्रिस्पी होने तक का। अब मैंने एक तरफ गट्टे मेरे बॉयल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं तड़का रेडी करी हूँ। 1 टीस्पून देसी घी में 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ, अगर सौंफ का पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं, और साथ ही 1/2 टीस्पून कसूरी लाल मिर्च। और ये देखिए मैंने ये तड़का रेडी है, मैंने इसमें डाल दिया है गट्टे वाले मिक्सचर में। मिक्स करके इसको मैं 2-3 बढ़िया बॉयल आने तक इसको उबाल लूँ। गार्निश करेंगे हम इसे हरे धनिए और 1/2 टीस्पून गरम मसाला से। जितनी थिक आपको ग्रेवी करनी है आप इस स्टेज पे खोला खोला के उतनी पहुंचा सकते हैं। रेडी है बहुत ही स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी, आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ या पूरी के साथ जैसा चाहें वैसा सर्व करें।